अब से कुछ दिन पहले 239 वैज्ञानिकों ने WHO को लिखे एक पत्र में बताया था कि कोरोना हवा से भी फैल सकता है। वहीं WHO ने भी तथ्यों पर आधारित इस रिपोर्ट को स्वीकृत कर लिया है। WHO में COVID-19 महामारी से जुड़ी टेक्निकल लीडर डॉक्टर मारिया वा करखोव ने कहा कि कोरोना वायरस के हवा में होने के सबूत तो मिले हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिर भी भीड़ भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों और बंद जगहों पर हवा के जरिए वायरस के फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस स्टडी के रिसर्च से पेपर अगले सप्ताह साइंटिफिक जर्नल में प्रकाशित होने की संभावना है। WHO के मुताबिक COVID-19 का वायरस मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और कॉन्टैक्ट रूट्स के माध्यम से लोगों के बीच फैलता है। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा लिखे पत्र से पता चलता है कि यह एरोसोल ट्रांसमिशन यानी हवा के जरिए फैलने वाला संक्रमण भी हो सकता है। WHO के नजरिए से देखें तो वायरस के ड्रॉपलेट्स खांसी, छींक या बोलते वक्त बाहर निकलते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगभग 1 मीटर की दूरी तय करने के बाद जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वायरस के हवा में फैलने का सवाल ही नहीं उठता है। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने इस बात के सबूत दिए हैं कि न्यूक्लियर ड्रॉपलेट्स न सिर्फ हवा में 1 मीटर से ज्यादा दूरी तक फैलता है, बल्कि ज्यादा देर तक के लिए खतरा भी पैदा करता है। अगर वैज्ञानिकों के इस तर्क में सच्चाई है तो वाकई ये वायरस हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है।